नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो पॉलिटी साइंस का अध्याय 3, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट अभी ऑलरेडी अपलोड कर दिए, हमारा चौथा पार्ट होगा। तो अध्याय 4 और इकाई 3 के अंतर्गत हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ये क्लास 7 का है, बता दूँ आपके लिए। तो इसको हम भी बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं किसमें क्या होना है। तो लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़की और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। तो बेसिकली यहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में यहाँ बताया गया है कि लड़कों और लड़कियों के बीच में हमारा समाज किस प्रकार से विभेद करता है, उसी को हम यहाँ पर समझेंगे। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो सामोआ द्वीप लगभग प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक ही भाग है। सामोआ समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता वह खड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। और लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियां बुना करती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। कक्षा 7 का एक सामुआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में, यहाँ इस प्रकार दर्शाया गया है सामुआ, जो कि प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप के अंतर्गत आता है। और आपको बड़े होने का अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इस अनुभव में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? अब देखते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के पुरुष के रूप में बड़ा होना। यहाँ पे हमने अभी सामोआ द्वीप को एक उदाहरण देखा है, अब 1960 के दशक में हम यहाँ पर बात करें, 1920 का दशक था वो, इस बात का ध्यान रखना। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियां के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनका खेल मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी,
यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। यहाँ पर देखिए गलियों का जो परिप्रेक्ष्य है, यह लड़कों लड़कियों के दृष्टिकोणों से कितना अलग अलग दिखाया गया है कि जो लड़कियाँ हैं उनके लिए गली सिर्फ एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से वो अपने घर को जाती थी और घर से वापस पुनः स्कूल को जाती थी, जबकि लड़कों के लिए वो खेलने कूदने का माध्यम, अनेक प्रकार के दृष्टिकोण हैं। तो यहाँ पर दृष्टिकोणों को समझाने की कोशिश किया गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सड़कों पर जाती हुई लड़कियां अब बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी, इस बात का ध्यान रखिएगा, और शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसायों के चुनाव पर भी पड़ता है। अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए, उसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के? संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर, पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां या लड़कियां कम दिखाई देती हैं? क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियां रखेंगे तो क्या होगा? इसको आपको समझने योग्य बात यहाँ पर समझाई गई है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि हमें समाज जो है हमें खुद बताता है कि हमें अपने किस प्रकार से कर्मों को करना चाहिए, ठीक है। वो समाज हमें जो है यहाँ पर स्पष्ट भेद लड़कों और लड़कियों में करता है, किस प्रकार से वो गतिविधियाँ करता है, दृष्टिकोण क्या है समाज का। खिलौनों के प्रति से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम बड़े बड़े चीज़ों तक अगर हम देखें तो समाज हमारा स्पष्टतः लड़कों और लड़कियों में विभेद करता है। अब यहाँ पे हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल में भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वो कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं, जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। श्री सिंह के घर पर पहुंची। हर्षरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें भी कुछ करने दो। क्या बात है, ठीक है, कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आएगा,
कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो, जल्दी करो, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया गया है, लेकिन बच्चों को लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी, उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले से ही पैसे दे दिए हैं। डिंग डिंग रिंग बजती है यहाँ पे। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। आह, मैं तो भूल ही गई थी, मुँह तो फूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो। मैं खुद ही बना लेता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो, सुबह तुमने घर को जैसे हालत में छोड़ा था, वह वैसे ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई हैं, हंसते हुए। क्या अभी भी ये वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि कितना मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि जो औरतों के घर के घरेलू कामकाज होते हैं उनकी जोड़ते नहीं है कोई, कि यहाँ पे ये भी कोई काम है। हमारा समाज इस प्रकार से विकसित हुआ है कि जो औरतें के काम घरेलू कामकाज है उनको किसी प्रकार से जोड़ा नहीं जाता, जबकि ये विपरीत दृष्टिकोण दर्शाता है हमारा समाज के प्रति। तो इसने एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जो औरतों का कार्य होता है वो भी एक कार्य के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वो पुरुषों की अपेक्षा वो अधिक कार्य भी करती हैं, लेकिन इनके कार्यों की जोड़ती नहीं होती है। तो वही समझाने की कोशिश की गई है कि अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी से नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसे हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। यहाँ पर मिलान अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर फोटो दर्शाई गई है, एक बच्ची एक माँ। घर पर कार्य करने वाले का जीवन यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। उपयुक्त कहानी से केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी जो उसके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, जिसको हम नौकर कहते हैं, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को ऊपर काम पर रखा जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वाले का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। यहाँ पे एक नौकरानी है जिसने अपने अनुभव के बारे में शेयर किया है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो तीन मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी दो लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था और नाश्ते में हमें एक प्याला चाय, दो रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी।
क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? ये एक महिला के दुख है जो कि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे उसके द्वारा अस्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो हमारा समाज किस प्रकार से है, किस प्रकार से भेद विभेद रखता है, किस प्रकार के कार्यों को यहाँ पे किस दृष्टि से देखता है, उसी को समझाने की कोशिश की गई इस चैप्टर में। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों को बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू यह भी है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लिए गए विशेष अध्ययन कुछ आंकड़े हैं जो कि 1998 1999 के लिए गए थे। देखिए क्या आप रिक्त स्थानों पर भर सकते हैं। देखिए, राज्य हैं हरियाणा और तमिलनाडु। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य का प्रति घंटे सप्ताह, देखिए यहाँ पे सप्ताह में वह 30 घंटे कार्य करती हैं, और तमिलनाडु में प्रति सप्ताह जो है 19 घंटे स्त्रियां काम करती हैं। स्त्रियों का वैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह में बताया गया 30 घंटा हरियाणा में और तमिलनाडु में 35 घंटे। स्त्रियों के कुल काम जो मतलब अवैतनिक मतलब क्या बताया गया, मतलब जिसके लिए उन्हें वेतन नहीं मिलता है, ठीक है, वो 30 घंटे काम करती है हरियाणा में और 35 घंटे मतलब तमिलनाडु में ज़्यादा काम करती हैं। अब वेतन मतलब क्या होता है कि जिसके लिए वेतन मिले, जैसे किसी अगर ऑफिस जा रही हैं तो उनके लिए वेतन मिल रहा है, तो वो लॉजिकली क्या कर रही है, 30 घंटे 19 घंटे काम कर रही हैं तमिलनाडु में और 23 घंटे हरियाणा में। स्त्रियों के कुल घंटे का काम अब यहाँ पर आपको जोड़ के बताना है, ठीक है, कि हफ्ते में कितना काम करती है। तो हरियाणा की जो स्त्रियाँ हैं वो कितना काम करती है, 53 घंटे काम करती है एक हफ्ते में, जबकि तमिलनाडु में जो है वो 9 5 14 और 3 1 4 1 5, ठीक है, 54 घंटे काम करती है। अब पुरुषों के वेतन सहित कार्य के प्रति घंटे सप्ताह, वह 38 घंटे हरियाणा में करते हैं और 48 घंटे तमिलनाडु में करते हैं। पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह 2 घंटे लगभग लगभग, मतलब कुछ नहीं जोड़ती यहाँ पे, कुछ नहीं की गई है। अवैतनिक कार्य मतलब जो घर के कार्य है, जो नॉर्मली काम करते हैं, जैसे कपड़े धोना, अपने बिस्तर को रखना, ये सब काम क्या है, अवैतनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो 2 घंटे और 4 घंटे तमिलनाडु में करते हैं। पुरुषों के कुल कामों की यहाँ पर गणना की जाए तो यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया है कि महिलाओं के जो अवैतनिक कार्यों की घंटा यहाँ पर बताया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है, पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर जोड़ कर भर देखा जाए तो यहाँ पे 54 है, जबकि यहाँ पर 38 से 40 ही घंटे काम करते हैं पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दर्शाई गई, कोशिश की गई है महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश में कई गाँवों में शासन ने आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियाँ खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी अर्थात क्रेश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा।
यहाँ पे देखिए, आप क्या सोचते हैं यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पोस्टर को ध्यान से देखिए, स्त्रियों के घरेलू काम को दर्शा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है, क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? यह आपके कार्य का यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से घरेलू काम करती है, झाड़ू, एक हाथ में झाड़ू दर्शाया गया है, एक हाथ में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दर्शाया गया, बाल्टी, कपड़े धोने वाला चीज़, यहाँ पर बच्चे दर्शाया गया, एक तमाम प्रकार की यहाँ पे जिम्मेदारियों को वहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है? अब अभ्यास पुस्तिका देखते हैं कि साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं अथवा असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर ही इस बात हर बात को एक उदाहरण के जरिए समझाइए। ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं, और ऐसे विशेष खिलौनों की भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती है। यदि दोनों सूचियों में अंतर है तो सोचिए और बताइए कि क्यों क्यों है ये अंतर। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है जो उनसे, तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में और कौन कौन रहता है, वे क्या क्या करते हैं और उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे काम करते हैं और कितना कमा लेती है। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। ये बच्चों को हालांकि बताया गया, आपको पता भी होगा। और लास्ट हमारा आता है शब्द संकलन, जिसको हमने बताया है कि शब्द संकलन हमारे यूपीएससी के बेस्ट से देखा जाए तो आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और 70 से 80% यहाँ पे मान सकते हैं कि हमारे एनसीईआरटी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समान अध्ययन की जो जानकारी है वो हम समझ सके, और मेन चीज़ हमारा होता है कि जो शब्द संकलन है उसको हम यहाँ पर कंठस्थ कर सके, क्योंकि शब्द संकलन अगर हमारे पास अच्छे होंगे तो हम अच्छे एक निबंध, अच्छे जीएस पेपर को लिख सकने में सक्षम होंगे और यहाँ पर हमें अच्छे मार्क्स भी ऑप्टेन होंगे। तो शब्द संकलन की बात किया जाए तो अस्मिता, दोहरा बोझ, देखभाल और अमूल्यता, ये सब क्या होते हैं इसको समझेंगे। अस्मिता, यह एक प्रकार से स्वयं स्वयं के होने वाली यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। मतलब अस्मिता का मतलब ये है कि अस्तित्व के बारे में, हमारा है समाज में क्या अस्तित्व है, ठीक है? अस्तित्व मतलब कि मान लीजिए एक लड़की जो है वो अस्मिता मतलब पहचान, उसका अस्तित्व क्या क्या है। एक तरीके से अगर समान वर्ड में समझा जाए तो हर व्यक्ति अपने अस्मिता के लिए अनेक कार्य करते हैं, ठीक है? अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी अस्मिता को मतलब अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनेक कार्य करते हैं। अपनी अस्मिता मतलब अपनी पहचान को बड़ा करने के लिए वे अनेक सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य और आर्थिक रूपों में कार्य करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि उदाहरण दिया गया कि एक लड़की जो है वो बहन का कार्य, संगीतकार का कार्य और भी अन्य कार्य प्रकार से कार्य उसको संलग्न होती है, कई प्रकार के रिश्ते होते हैं, तो उसकी एक अस्मिता है, ठीक है? अस्मिता कहा जा सकता है, कई प्रकार की अस्मिता है, ठीक है? उसका अस्तित्व है समाज में। दोहरा बोझ क्या होता है? शाब्दिक रूप से इसका अर्थ होता है दो गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द के महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती है। मतलब दोहरा मतलब दो कार्य, दो तरीके समझा जा सकता है। महिलाओं पर जो बोझ होता है कार्य करने का वो दोहरा कार्य होता है, एक तो वो आंतरिक रूप से कार्य करती है और एक दूसरा बाह्य रूप से कार्य करती है। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित है। और अवमूल्यित क्या है? जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसे मित्र उसे देख कर कुछ भी न कहे तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करेगा। उपेक्षित, यहाँ पर समझा सकते हैं, उपेक्षित का स्वीकृति नहीं, ठीक है? अवमूल्यित मतलब क्या होता है कि जैसे हमें गंदा लगता है। मान लीजिए महिलाओं को, जैसे यहाँ पे समझाया गया है कि महिलाएं जो होती है वो महत्वपूर्ण कार्य करती है, अवैतनिक कार्य को अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण कार्य करती है, लेकिन अगर आप उनके कार्यों को नहीं जोड़ रहे हैं, आप उनको अवमूल्यित कर रहे हैं, उनके कार्यों की कोई तुलना नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, ठीक है? अवमूल्यित मतलब कोई तुलना, कोई मूल्य ना, कोई मूल्य ना, ठीक है? किसी किसी कार्य की कोई मूल्य ना, मतलब अमूल्य है, कोई महत्व नहीं दिया जा सकता,
ठीक है, तो वो चीज़ें दर्शाई गई है। तो ये चीज़ें आज का हमारा जो ये टॉपिक था समाज हुआ। और अगला हमारा अध्याय 5 है, औरतों ने बदली दुनिया, इस प्रकार से हम समझेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लास्ट में अपने फीडबैक जरूर दिया कीजिए, क्योंकि फीडबैक से काफ़ी मोटिवेशन हमको मिलता है। और किसी भी प्रकार का अगर क्वेरी चाहिए तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कई प्रकार से, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहिए तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं, या फिर अपना किसी भी प्रकार का सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो अगर पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।